खबर गया से है, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार गया के स्थानीय चौक स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता 10:30 बजे दिन से शाम 4:30 बजे तक उपवास पर बैठकर मोदी सरकार के इशारे पर विपक्ष की आवाज, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को संसद से अयोग्य करार दिए जाने के खिलाफ धारदार विरोध किया। करते सब खरीदते खरीदते आपके मीडिया हाउस में खरीद लेते हैं, NDTV तक को खरीद लिया जाता है, तो मीडिया को डरा दिया गया। तो लोकतंत्र का तीनों स्तंभ को डरा के धमका कर अपने वश में ले लिया और सारे विपक्षी नेताओं के घर ED CBI भेज कर CBI का अधिकारी डरा हुआ है, उनके भी बाल बच्चे हैं, हत्या हो जाएगी। और मीडिया के जितने अपने लोग हैं वो डरे हुए हैं। तो आज ये अब ये लोकतंत्र की हत्या करते करते सारा सीमाओं को पार करके कांग्रेस पार्टी एक ऐतिहासिक पार्टी है, 1837 की पार्टी है। इतने बड़े पार्टी की आज हमारी स्थिति पार्लियामेंट में कमजोर है, ये कांग्रेस का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है। हर नुक्कड़ पर, हर प्रखंड में, हर जिला में हम लोग उपस्थित हैं। और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वायनाड के सांसद राहुल गांधी जी की सदस्यता अपने समाप्त करके विपक्षियों को मैसेज देने का कोशिश आपने किया, ये कितने बड़े पार्टी के नेता को हम हटा सकते हैं, तो अपने औकात में रहो। अब विपक्षियों को सोचना होगा। ये घटना ऐसी बड़ी घटना है कि सबको सोचने मजबूर कर दिया, चाहे तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी। सजग, साहसी, संघर्षशील, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, लोकप्रिय, जनप्रिय नेता मोदी सरकार के गलत नीतियों का विगत 8 वर्षों से संपूर्ण भारत में जमकर विरोध करने वाले श्री राहुल गांधी जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता, भारत जोड़ो पदयात्रा के बाद उनके जो लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ा और साथ ही साथ पार्लियामेंट में अडानी प्रकरण महाघोटाले की JPC जांच की जो मांग किया जा रहा है, उससे घबराई मोदी सरकार ने एक पुराने मानहानि का केस जो कि धारा 504 के तहत आता है और वो कानून देश में 162 साल पहले बनाई गई थी जिसकी मैक्सिमम सज़ा 2 साल है, आनन फानन में राहुल गांधी जी को ये 2 साल का सज़ा 504 के तहत दिया गया, जो कि देश का 162 वर्ष का पहला ये इतिहास है। उससे प्रमाणित होता है कि मोदी सरकार राहुल गांधी से डरी और घबराई हुई है। हम कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता गांधी जी के सिद्धांतों पर देश की आज़ादी से लेकर के आज तक काम करते आ रहे हैं, इसलिए जो गलत तरीके से, मनमाने तरीके से मोदी सरकार के इशारे पर जो परसों लोकसभा सचिवालय से चिट्ठी जारी हुआ उनकी सदस्यता समाप्त करने का, उसके विरोध में हम कानूनी और राजनीतिक लड़ाई सदन से सड़क तक लड़ रहे हैं। उसी के तहत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय जनप्रिय अध्यक्ष श्री डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी के निर्देश पर हम गया में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा के समक्ष आज हम कांग्रेस जन, कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस, इंटक, NSUI, महिला कांग्रेस, सभी लोग, सेवा दल, सब लोग एकजुट होकर के यहां पर उपवास पर बैठे हैं। और ये हमारी लड़ाई कानूनी और राजनीतिक ढंग से लगातार चलते रहेगा और आडवाणी महाघोटाले के JPC जाँच के लिए हम धारदार संघर्ष करेंगे। जब तक जांच नहीं हो जाता है तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय राहुल गांधी, जय देश की जनता। प्रोफेसर विजय कुमार मिट्टू, प्रवक्ता बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का।